मेरे दोस्तों साहबा इश्क का अंदाजा करें, ये बात मैं क्यों कहने लगा हूँ। हमारे दौर में एक बहुत बड़ा फितना डॉक्टर जाकिर नायक की सूरत में आया है। इस जालिम ने एक नया फलसफा दिया है। वो कहते हैं पैगंबर के अमल दो किस्म के थे, नबी ने बास अमल किया नबी होने की हैसियत से और बास अमल किया इंसान होने की हैसियत से। मैं और आसान करता हूँ, वो कहते हैं हजूर ने बास काम किए इबादत के लिए और बास काम किए बशरी तकाजों की वजह से। मसलन नबी ने वजू किया, वजू क्यों किया कि नमाज पढ़नी थी अल्लाह का हुक्म था। पैगंबर ने नमाज क्यों पढ़ी कि अल्लाह की इबादत का हुक्म था। नबी ने रोज़ा रखा ये इबादत थी, नबी ने हज किया इबादत थी, नबी ने जिहाद किया इबादत थी। ये तो नबी ने काम फरमाए इबादत समझकर, लेकिन बास काम वो थे जो इबादत नहीं बल्कि बशरी ज़रूरत थी। मसलन वो कौन सा, पैगंबर ने लिबास पहना, लिबास बशरी ज़रूरत है, मुसलमान हो तो भी पहनेगा और काफिर हो तो भी पहनेगा। ये इंसान अपनी गर्मी का, अरबों के अंदर वो गर्मी थी तो गर्मी मौसम में नबी ने अपने सर पे पगड़ी बांधी। वगैरह पगड़ी इसलिए नहीं बांधी कि इबादत थी, पगड़ी इसलिए कि अरबों का मिजाज ये था, उन हजरत का माहौल और मिजाज था, इसलिए वो पगड़ी पहनते। कहते हैं नबी ने सर में सुरम, नबी ने अपने सर में तेल लगाया वो इबादत समझकर नहीं बल्कि इसलिए कि तेल से इंसान के जिस्म को फायदा पहुंचता है। पैगंबर ने आंखों में सुरमा लगाया मगर वो इबादत समझकर नहीं बल्कि इसलिए सुरमा हुजूर ने लगाया इससे आंख के अंदर बिनाई में ताकत आती है। उस जालिम ने कहा कि पैगंबर के अमाल दो किस्म के हैं, जो काम नबी ने बतौर इबादत के किए वो काम करना उम्मत के लिए जरूरी है, लेकिन जो काम पैगंबर ने इबादत के तौर पर नहीं बल्कि बतौर बशरी जरूरत के किए ये काम करना उम्मत के जिम्मे नहीं है और इसके कोई मुस्तकिल तरीका भी नहीं है। लिबास बशरी जरूरत थी, जैसा चाहो पहनो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता बशरी जरूरत थी, आप जैसा चाहो पहनो। रिहायश इंसान की बशरी जरूरत है, आप जैसी चाहो इख्तियार करो। ये सब बशरी तकाजे हैं, इसमें शरीयत ने किसी को पाबंद नहीं किया। मेरे दोस्तों में ये बात कह लगा, एक ज़ौक है आज का, एक ज़ौक है पैगंबर के सहाबा का। हम कहते हैं इस तकसीम को करने वाला वो शख्स है जो इश्क से खाली है, जो दर्दे नबुव्वत से खाली है, जो पैगंबर की मोहब्बत से खाली है। एक सहाबा वो थे कि जिनको पैगंबर से प्यार इतना था, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायात में आता है हुजूर तशरीफ फरमाते, एक सहाबी है, सहाबी का नाम मुआविया था रजी अल्लाह अन्हु, ये मारूफ हजरत मुआविया नहीं, एक और सहाबी थे उनका नाम हजरत मुआविया था रजी अल्लाह अन्हु, आए और पैगंबर सल्लम तशरीफ फरमाते, हजूर ने अपने गरेबान के बटन खोले थे, हजूर यूं बैठे थे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु वो गैर मारूफ सहाबी, वो जिंदगी भर अपना गरेबान बंद नहीं किया। किसी ने पूछा हजरत आप बटन क्यों नहीं लगाते, फरमाया जब मैंने मोहम्मद को देखा तो बटन खुले हुए थे, मेरा जी नहीं चाहता मैं बटन को लगाऊं। सहाबी रसूल थे हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लम जा रहे थे, रास्ते में गुजर हुआ, हजरत बिलाल से फरमाया अजान दो, बिलाल ने अजान दी, मुशरिकीन के बच्चे भी थे वो जमा हुए, उन्होंने नकल की, उनमें से अबू महजूरा भी थे, उन्हें नकाली के तौर पे अजान पड़ी। हजूर ने फरमाया इसको पकड़ो, वो बच्चे दौड़े, सहाबा ने अबू महजूरा को पकड़ लिया और हजूर ने फरमाया बेटा वो तुम क्या कलिमात कह रहे थे, अबू महजूरा रजी अल्लाह कलिमात डर गए, कलिमात अदा नहीं किए। हजूर ने फरमाया नहीं नहीं बेटा वो कलिमात दोहराओ जो तुमने दोहराए। उसने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फरमाया जरा जोर से कहो, वो फिर कहते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत अबू महजूरा के सर पे अल्लाह के पैगंबर ने शफकत और मोहब्बत का नबूवत वाला हाथ रखा, अबू महजूरा के दिल में ईमान उतर गया, वो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हजरत अबू महजूरा जवानी गुजर गई, हजरत अबू महजूरा के बाल रिवायात में आते हैं औरतों की तरह बल्कि औरतों से भी लंबे, उनके रिवाउन के अपने बाल ये कमर से नीचे गुजरते। किसी ने कहा तुम कैसे इंसान हो बाल काट लो, फरमाया कैसे काटो, इन बालों पे मोहम्मद का हाथ रखा है, इन बालों को मैं काट नहीं सकता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाल काटने से इनकार कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से निकले, हजरत उमर एक मैदान में जा रहे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जान बूझ के अपने पाँव को यूं ठुड्डा मारा पत्थर के साथ और गिर पड़े, फिर चले। किसी ने पूछा हजरत आपने खुद जान बूझ के इस रोड़े और पत्थर के साथ अपने पाँव को मारा और गिरे फिर चल पड़े, हजरत उमर फरमाने लगे मैं अल्लाह के नबी के साथ था, हजूर यहाँ से गुजरे पैगंबर को यूं ठुड्डा लगा पैगंबर गिरे तो मुझे हयात के बगैर गिरे यहाँ से गुजर जाऊं। ये सहाबा थे, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ थे, खच्चर पे सवार थे, सफर में जा रहे थे। एक मकाम पे गुलाम से फरमाया इस मेरे घोड़े या खच्चर को रोको, उसने रोक दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा अपनी सवारी से नीचे उतरे और ऐसे बैठे जैसे इंसान पेशाब करने के लिए कदाए हाजत के लिए बैठता है, थोड़ी देर के लिए बैठे फिर अपने घोड़े पे सवार हुए चल दिए। उस गुलाम ने कहा हजरत अगर आपने हाजत नहीं थी, कदाए हाजत नहीं थी, आप यहाँ पर उतर के बैठे क्यों, आप क्यों बैठे थे, आपने वक्त जाया किया, अच्छी रफ्तार में जा रहे थे। फरमाया मुझे जरूरत तो न थी लेकिन एक मरतबा जैसे हम जा रहे हैं
इसी तरह मैं अल्लाह के पैगंबर के साथ था, हुजूर ने यहाँ पे सवारी रुकवाई और पैगंबर कजाए हाजत के लिए बैठे, तो मेरा जी चाहता कि जाते पैगंबर की ये अदा भी जिंदा कर दो, मेरा जी चाहता मैं हुजूर की अदा भी जिंदा कर दो। मैं इसलिए कहता हूं अब सहाबा का इश्क देखें। हजरत अबू हुरैरा का नाम मैं भी मानता हूं, अबू हुरैरा नहीं था, अबू हुरैरा का नाम अब्दुल रहमान था। हुरैरा अरबी जबान में बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का शौक था, वो बकरियां चराते थे, चरवाहे थे, अपने पास एक बिल्ली रखी होती। एक मरतबा अल्लाह के पैगम्बर ने देखा और देखकर फरमाया अबा हुरैरा, ऐ बिल्ली वाले, अबू हुरैरा को अल्लाह के पैगम्बर का नाम इतना पसंद आ गया, वो फरमाते मुझे अब्दुल रहमान मत कहो, अबू जंगलों में गुजरे तो वहां पर देखा कि शेर भी थे और जंगल के जानवर थे। हजरत सफीना ने खड़े होकर उस जंगल में ऐलान किया था, जो मुझे राह बताने के लिए आया है। हजरत सफीना साथ चले, वो सहाबा के साथ पहुंचा कर आया। नाम सफीना नहीं था, नाम और था। अल्लाह के नबी ने देखा ये बोझ उठा लिया करते थे, हजूर ने मोहब्बत फरमाया तू तो कश्ती लगती है सफीना। उन्होंने फरमाया मेरे नाम को छोड़ दो, अब मुझे सफीना ही कहा करो, क्योंकि हजूर से मोहब्बत था। मैं कहता हूं जाकर नायक, जालिम तो पैगंबर की मोहब्बत से खाली है, इसलिए तूने कहा आदत और है, इबादत और है। हम ये कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है, अल्लाह की कसम तुमने सर पे कपड़ा तो रखना ही है ना, यूं रखो जैसे पैगंबर ने रखा, तुमने कपड़ा तो पहना ही है ना, यूं पहनो जैसे पैगंबर ने पहना। हजरत अनस के बारे में आपने सुना होगा, शमाइल तिर्मिजी रिवायत है, हजरत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाए एक मर्तबा मैं गया, अल्लाह के पैगंबर खाना खा रहे थे, मैंने हुजूर सल्लम के सामने एक बर्तन देखा, बर्तन में हुजूर सब्जी को उठा रहे थे तलाश करते हुए, मैंने देखा कौन सी सब्जी है, फरमाया कि कद्दू है। मैंने नबी पाक को देखा, वो कद्दू को बर्तन से उठा उठा के कहते थे। अनस फरमाते उस दिन के बाद मुझे कद्दू से ज्यादा महबूब कोई गिज़ा नहीं थी। ये अदाए थी ना, अब हजरत अनस का जो और था तो जाकर नायक होता, वो क्या कहता खाना ही है ना, मुझे मछली पसंद है तुम्हें कद्दू पसंद है। हम कहते हैं नहीं नहीं, सहाबा ने खुदा की कसम अपनी मोहब्बत को पैगंबर के मिजाज में फना कर दिया था, सहाबा ने अपनी ख्वाहिश को हजूर के कदमों में डाल दिया था, यही वजह थी मेरे अल्लाह ने हजूर के साथ सहाबा के नाम को जिंदा कर दिया। मैंने बात इसलिए उठाई हजरत का नाम अबू हुरैरा नहीं था, हम मानते हैं, लेकिन अगली बात भी कह दो, कम अक्ल वो लोग हैं जो कहते हैं अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाप है, उनको तब उनका माना भी नहीं। अरबी जबान में जैसे अबुन का माना बाप होता है, इसी तरह अरबी जबान में अबुन का माना वाला भी होता है। हमेशा अबू हुरैरा का माना अबुन का माना बाप नहीं होता। अल्लाह के पैगंबर अपने घर गए, अपने घर के दरवाजे पे दस्तक दी, अपना घर नहीं, हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह उनके घर गए, देखा तो अपनी बेटी लगते जिगर अकेली है, पूछा जहरा अली किधर है, उनने कहा हजरत अली मुझसे नाराज है। फरमाया कहां गए, कहा हजरत वो तो मस्जिद में लेटे हुए, मस्जिद में चले गए। अल्लाह के पैगंबर गए, अब देखो खामिद और बीवी में नाराजगी, कहा खातून ने जन्नत सैयदत पैगंबर की लखते जिगर है, लेकिन खामद भी मामला तो हो ही जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा जहरा अली किधर है, फरमाया हजरत वो तो घर में नहीं है, हमारी कुछ नाराजगी होगी। हजूर गए, हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे, हजूर ने फरमाया कुम या अबा तुराबिन, कुम या अबा तुराब, अब अबू तुराब का माना गया, तुराब का माना मिट्टी, अब उनका माना बाप तो नहीं है ना। अगर अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाप था, हजरत अली का माना होता बिल्ली का नहीं मिट्टी का बाप होता, लेकिन हम कहते नहीं अब उनका माना होता मिट्टी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया या अबा तुराब, या अबा तुराब, ऐ मिट्टी वाले होशिया अली क्या हुआ, तुम घर क्यों नहीं जाते, छोड़ो नाराजगी होती है अपने घर चलो। अल्लाह के पैगंबर ने सुलह करा दी। अब देखे अबू तुराब था, इसका माना तुराब मिट्टी का बाप तो नहीं है, अब उनका माना हमेशा बाप नहीं आता, ये कम अकली की बुनियाद पे तूने इतराज कर डाला, कम इल्मी की बुनियाद पे इतराज कर डाला। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ ये अजीब बात यह है, अल्लाह पे अल्लाह पाक का निजाम देखे, कभी कभी रब यूं भी करते हैं कि लोगों को किसी का नाम याद नहीं रहता बल्कि लोगों को उसका मिशन जिंदा रहता है। मैं अब उनके हवाले से एक बात कह दो, तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं कि जो तारीख इंसानी के सबसे बड़े इंसान थे, अंबिया के बाद उनमें पैसा पहला इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा में से पैगंबर के जाने के बाद इस उम्मत का सबसे बड़ा शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, लेकिन सहाबा के चले जाने के बाद इस कायनात में जितने आइमा और उलमा है, इन उलमा आइमा में से सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कायनात में माने सहाबी नहीं जाना, इमाम आजम अबू हनीफा से बड़ा सहाबा के बाद माने इमाम नहीं जाना। मैं एक बात कहने लगा, अगर कोई तुमसे पूछे अबू बकर का नाम क्या था तो लोग नाम नहीं जाना
जानते, नाम जानने वाले दुनिया में दो चार होंगे, किसी से पूछो अबू बकर का नाम क्या है, कोई नहीं जानता। तो लबा जानते होंगे, उलमा जानते होंगे, अबू बकर का नाम अब्दुल्ला था रजी अल्लाह तआला अन्हु, नाम कोई नहीं जानता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नुमान था, नाम कोई नहीं जानता। लोग अबू बकर को जानते हैं, अबू बकर का नाम नहीं जानते। इमाम अबू हनीफा को अबू हनीफा जानते हैं मगर नाम नहीं जानते। उसकी वजह अबू बकर के एक मिशन था, अल्लाह ने उस मिशन को अबू बकर के नाम से जिंदा किया। अबू हनीफा का एक मिशन था, उस नाम से अल्लाह ने अबू हनीफा के मिशन को जिंदा किया, ये नाम को जिंदा नहीं किया। वो कैसे? अरबी जबान में बकर का माना होता है पहल करना, अरबी जबान में बकर का माना होता है पहल करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रब ने ये सिफत अता फरमाई कि हर मकाम पे पहल की। हजूर फरमाया कलमा पढ़ो अबू बकर पहले, हिजरत करो अबू बकर पहले, सदका दो अबू बकर पहले, कमारी बेटी दो अबू बकर पहले, जो भी तकाजा आया अबू बकर ने पहल की है। और पहल करने वाले को अरबी जबान में अबू बकर कहते हैं। अल्लाह को पहल करने वाला अबू बकर का वसफ इतना पसंद आ गया कि लोग नाम नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं पैगंबर के हर दावे पे पहल करने वाला अबू बकर था। इसलिए अल्लाह ने नाम तो लोग भूल गए, ये भूले नहीं है, मेरे रब ने बुला दिया। कभी कभी अल्लाह यूं भी फरमाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, अबू हनीफा का माना क्या है? हनीफा का माना कुरान कहते हैं वत्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ये हनीफा तो सिफत है दीन की। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने मिल्लत हनीफा यानी खालिस दीन की इतनी खिदमत की है। अबू हनीफा का माना है खालिस दीन वाला। अल्लाह ने इब्राहिम के लिए कुरान में हनीफा का लफ्ज इस्तेमाल किया। हनीफ कहते हैं जो बातल से अलग हो जाए, हनीफ कहते हैं बिदत से अलग हो जाए, हनीफ कहते हैं कुफर से अलग हो जाए, हनीफ कहते हैं गुमराही से अलग हो जाए। अबू हनीफा का माना जिसने गुमराही को दीन से अलग कर दिया, बिदत को अलग कर दिया, फिसक को अलग कर दिया, गुमराही को चटक के दीन को साफ करके उम्मत के सामने पेश कर दिया। जिस तरह पहल करना हजरत अबू बकर के, अबू बकर का खासा था, तो दीन में से बातिल को अलग करके खालिस दीन को पेश करना ये हजरत अबू हनीफा का खासा था। इसीलिए लोग अबू बकर के नाम अब्दुल्ला को नहीं जानते, अबू बकर को जानते हैं। हजरत नुमान के नाम को नहीं जानते, अबू हनीफा को जानते हैं। अल्लाह ने पैगंबर के जाने के बाद अबू बकर के वसफ को मिशन की सूरत में जिंदा कर दिया। इमाम आजम अबू हनीफा के वसफ को, मिशन को वसफ की सूरत में जिंदा कर दिया। ये तो एतराज वही करेंगे ना जिनको अबुल कमाना नहीं आगा। इसलिए हम अबू हुरैरा पे एतराज नहीं करते, अल्लाह की कसम में कहते हम एतराज तो नहीं करते। एक तो हम कहते हैं अबू हुरैरा का माना है बिल्ली वाला, तो बिल्ली का बाप तो नहीं ना। नंबर दो हम कहते हैं उनका अबू हुरैरा कहना ये अबू हुरैरा के इश्क नबुव्वत की दलील है, उसने नाम को छोड़ दिया, इसको जिंदा कर दिया। सहाबा को पैगंबर से मोहब्बत इतनी थी कि हुजूर की जबान से निकल लफ्ज़ की कदर करते थे। तो मैं इसलिए दोस्त अर्ज करता हूँ वो तो सहाबा थे ना, अगर पैगंबर ने अबू तुराब कह दिया सहाबा ने उसको सीने से लगा लिया, अबू हुरैरा कह दिया सीने से लगा लिया, ज़ुल-ऐदैन कह दिया सीने से लगा लिया। सहाबा वो थे कि जो पैगंबर की अदाओं पे मरते। और एक आज जाकिर नायक पैदा हुआ कहते नहीं नहीं लिबास तो हमारी मर्जी, ये हमारी मर्जी, रहन सहन हमारी मर्जी, खाना हमारी मर्जी। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये पैगंबर से मोहब्बत कम होने की दलील है। मेरे दोस्तों एक वक्त आएगा जो पैगंबर की आदत को छोड़ेगा वो कल पैगंबर की इबादत को भी तर्क कर देगा, जो हजूर की इबादत को छोड़ेगा वो कल को पैगंबर की आदत को तर्क करेगा, कल इबादत को भी छोड़ देगा। ये कुफर ने नया तर्ज इख्तियार किया उम्मत के सामने, अल्लाह हम सब किससे महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहा करता हूँ, किसी आदमी से पूछो भाई तुम दुनिया में क्या चाहते हो, कहेगा भाई अल्लाह की रजा, मौत के बाद क्या चाहते हो, कहते हैं भाई जन्नत। हम कहते हैं अच्छा अगर दुनिया में अल्लाह की रजा चाहते हो तो अल्लाह की रजा मोहम्मद की रजा में है, अगर क़यामत को जन्नत चाहते हो तो वो जन्नत कौन सी जिसमें हुजूर ना हो, जन्नत में तो जाएगा ही वो जो पैगंबर के नक्शे कदम पे चलता हो। हम कहते हैं जालिम हुजूर की अदाओ दुनिया में अपनाओ, अल्लाह क़यामत को तुम्हें खुश कर देगा, पैगंबर की आंख तुम ठंडी कर दो, अल्लाह क़यामत को तुम्हें ठंडा। अगर अजीब बात यह, मैं एक बात कहता हूँ, आपने रिवायत तो पढ़ी होगी फजाइल अमाल के अंदर भी मौजूद है कि लोग कहते हैं इबादत अलग है आदत अलग है। अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे, अल्लाह के पैगंबर ने देखा एक सहाबी का मकान था, एक मंजिला नहीं दो मंजिला था। फरमाया ये मकान किसका है, जी फला का है। अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को इत्तला मिली, वापस गया उसने मकान को गिरा दिया। सहाबा ने पूछा भाई क्यों, उसने कहा इसलिए कि मेरे मोहम्मद को मकान पसंद नहीं है, मैं इसको रखना पसंद नहीं करता। ये तावील तो नहीं की, ये आदत और इबादत है। सहाबी रसूल थे, अल्लाह के पैगंबर ने उनकी हाथ से अंगूठी देखी, हुजूर ने चादर देखी, फरमाया जो तुमने चादर पहनी है मेरी माल है, मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम है, ये रेशम की चादर है जो यहाँ पहनेगा वहां उसको नसीब नहीं होगी। सहाबी गया और उस चादर को जला के रख दिया। किसी ने कहा भाई तुमने चादर को क्यों जलाया, रेशम की चादर तुम पे हराम थी, अपनी बीवी को देते थे। कहते नहीं नहीं इस चादर पे हुजूर की निगाह नाराजगी से पड़ी है, मैं चादर बीवी को भी नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों ये मुकाम था, इसलिए सहाबा के लिए
जान देना आसान था, यही वजह थी ना। कभी दाढ़ी कट गई, ये आदत है। कभी लिबास खत्म हो गया, ये आदत है। कभी जिस्म पे अपनी पगड़ियां उतर गई, ये आदत है। मैं कहता हूं छोड़ो, खुदा की कसम अगर तुमने इबादत अपनानी है, इबादत वही होगी जो पैगंबर करेगा। अगर आदत अपनानी है तो आदत भी वही होगी जो मोहम्मद करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम कहते हैं छोड़ दो इस बात को। ये जाकर नायक की सूरत में उम्मत को नया फितने से वास्ता पड़ा। अल्लाह मेरी और आपके इस फितने से हिफाजत फरमाए। बच्चों इन फितनों से, माज दो बोल का नाम इलम नहीं है, उंगलियों पे चंद हवाले गिलने का नाम इलम नहीं है, चंद टोटके याद कर लेने का नाम इलम नहीं है। रब्बे काबा की कसम मैं कहता हूँ इलम है इश्क नबूवत का नाम। अगर एक लफ्ज आता हो पैगंबर का इश्क हो, यह कायनात का सबसे बड़ा आलम है। हुजूर के दाओं पे जान देता हो, कायनात का सबसे बड़ा आलम है। और ऐसा इलम जो हुजूर के लिबास से दूर कर दे, ऐसा इलम पैगंबर के रहन सहन से दूर कर दे, ऐसा इलम जो पैगंबर के चेहरे से अलग कर दे, ऐसा इलम तुम्हें मुबारक हो, ऐसे डॉक्टर तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे नस्लों की भी शैतान से हिफाजत फरमाए। इस फितने से बचो, अल्लाह हम सबको महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए।